नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। सीवान में बेखौफ अपराधी आए दिन स्वर्ण व्यवसायी और सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार हथियारों से लैस अपराधियों ने निजी अस्पताल के मेडिकल शॉप और काउंटर से लूट की है। वहीं वारदात की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग की है, जहां संजीवनी हॉस्पिटल में देर रात्रि हथियारों से लैस बेखौफ अपराधियों ने मेडिकल शॉप और काउंटर से लैपटॉप, मोबाइल और 5,000 नकद रुपए की लूट कर ली। वहीं लूट का विरोध करने पर हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों के परिजनों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की है। अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हथियार लहराते हुए अपराधी घटना को कैसे अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। हमारा नर्सिंग होम है, इसमें डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार बैठते हैं। रात में 9:30 बजे करीब में हमको घर बगल में, हमारा घर है, फोन गया कि अपराधी आकर यहाँ लूटपाट मचाए हुए हैं। तो हम घर से संख्या में चले और यहाँ आते आते पता चला कि अपराधी भाग गया है। आए दिन यहाँ पहले सोना चांदी लूटा जा रहा था, अब लगता है कि यहाँ डॉक्टरों भी सुरक्षित नहीं है, मेडिकल भी सुरक्षित नहीं है। तो आए दिन में कौन किसका इलाज कर पाएगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतने अपराधी आए थे और क्या कुछ लूट के ले गए, क्या कुछ बताएंगे? यहाँ 4-5 के करीब में अपराधी आए हुए थे और पिस्टल दिखाते हुए हमारे स्टाफ को यहाँ से भिड़ाया और भगाते हुए सबको अंदर किया और हमारे मेडिकल में घुसे। मेडिकल में घुसने के बाद वो वहाँ से लैपटॉप और काउंटर से 4-5 हज़ार रुपया और मोबाइल स्टाफ का ले गए हैं। और यहाँ जो रोगी भर्ती थे जाए थे कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने अंदर करे, गेट खुला हुआ था, तब तक एक यात्री वाले जा रहा था टेम्पो, उसको रोक के उसको मारपीट किया। फिर हम लोग के हॉस्पिटल गेट खुला हुआ था, हमको पीछा किया। हम अभी गेट बंद कर रहे थे तब तक पिस्टल घुमाते हुए अंदर घुस गया। अब लोग हम लोग डर से बाहर गए, तब तक आया दुकान में लूटपाट किया, मेरा मोबाइल और लैपटॉप रखा हुआ था वो उठा के लेके चला गया सब। क्या कुछ कैश भी ले गया? कैश भी शायद ले गया है, काउंटर में था। क्या लगता है कि जैसे लगातार ये घटना घट रहा है, डर बना रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत डर बना हुआ है हम लोग के बीच, हम लोग के स्टाफ के बीच कुछ भी हो सकता है। ऐसा डर करीब 3 के करीब थे, हथियार भी था? जी, तीनों के हाथ में हथियार था, पिस्टल लिया हुआ था। पुलिस आई थी? पुलिस थोड़ी देर बाद आई। अभी पुलिस आई है? अभी आई है, कार्रवाई चल रही है। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार शर्मा। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 15 साल में सिवान में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। आज तक तो मरीज के परिजनों से इलाज संबंधी बात को लेकर के हल्की फुल्की झड़प हुआ करती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल पहली बार और एक बहुत ही सनसनी और डराने वाली घटना है। हम लोग जो रात में निर्भीक होकर के जो सेवा दिया करते थे, आज हमारे बहुत सारे सदस्यों का ये मांग हो चला है कि हम लोग रात्रि सेवा बंद कर दें। और इसके लिए IMA सिवान जो है कल एक मीटिंग बुला रहा है, आपात मीटिंग बुलाई जा रही है कि क्या हम लोग ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जो कानून व्यवस्था अभी है, और क्या इसमें अपनी सेवा हम लोग जारी रख सकेंगे। हमने मैसेज करके SP साहब से भी इस संबंध में टाइम मांगा है कि सर हम लोग इस संबंध में आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि सर का जब हमको टाइमिंग मिल जाए तो मैं जा करके उनसे मिलूंगा। आज जो है एक FIR दर्ज करा दी गई है और अभी महादेवा OP नगर के इंस्पेक्टर ये सारे लोग क्लिनिक में आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मैं भी ये प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि चूँकि ये पहली घटना है सिवान में कि किसी डॉक्टर के घर में हथियारबंद अपराधी क्लिनिक और घर में घुसे हों, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई अपराध। कल रात को करीब 9:30 बजे के समय में अधिक ठंड थी, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, फॉगिंग था, कुछ दिख नहीं रहा था। इसी समय में 4-5 अपराधी बाइक से उतरे और हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट को पिस्तौल और चाकू का धमकी दिखाकर हमारे स्टाफ से खुलवाए और उसके बाद वो फराफर मेरे हॉस्पिटल परिसर में घुस गए। घुसने के बाद जो भी हमारे मरीज भर्ती थे उनके साथीदार से के साथ मारपीट झगड़ा करने लगे, उनसे मोबाइल कैश छीनने लगे। उसके बाद वो अचानक फिर फार्मेसी दुकान में घुस गए और वहाँ जाने के बाद में जो कैश काउंटर है वहाँ से जो भी नकदी था वो उसको बरामद कर लिया, लैपटॉप रखा हुआ था लैपटॉप छीन के चले गए, फिर मोबाइल चार्ज के लिए रखा हुआ था वो मोबाइल को लो अपने हाथ में लेकर चले गए और हमारे जो भी स्टाफ थे उसके साथ मारपीट किया, उसे धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद एक स्टाफ ने मुझे खबर किया ऊपर मेरे निवास स्थान पर, तो मैंने ऊपर से बालकोनी से उसको देखा तो मुझे कुछ भदिया भदिया गाली दे रहे थे। तो फिर
मैं नीचे आना चाहा, लेकिन उनके हाथों में पिस्तौल देकर मैं फहम गया और अब मैं अपनी सुरक्षा के दृष्टि से मैं अपने अंदर से निवास का गेट बंद कर लिया। बाद में वो उत्पात मचाकर कुछ देर के बाद यहाँ से निकल गया। एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। हाँ, एक बड़ी घटना हो सकती थी। ये लूट के नज़रिया से यहाँ पे आए थे और अच्छा हुआ कि हमारे स्टाफ सब एक्टिव थे, सक्रिय थे, जिसके बदौलत तो लोग उन्हीं से निपट के चले। सीसीटीवी कैमरा में क्या कुछ कैद हुआ? सीसीटीवी कैमरा में वो पिस्तौल लहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो सारे हमारे सीसीटीवी में कैद है और उनकी एक्टिविटी भी है। मुँह पे मास्क लगाए हुए थे इसलिए चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके फिजिक उसके गेट से पता चलता है कि 20 से 25 साल के बीच के वो युवक। इस तरह के खौफ में आप लोग काम कर पाएंगे? नहीं, हम इस तरह के खौफ में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अभी दहशत का माहौल बना हुआ है, हमें भी बहुत, हम रात को इमरजेंसी में भी उठते थे, लेकिन अब इस तरह का माहौल को देखते हुए लगता है कि मुझे इमरजेंसी सेवा भी बंद करनी पड़ेगी और हमारे भाई बंधु चिकित्सक लोग भी दहशत में हैं। सिवान के नए एसपी से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? हम सिवान के नए एसपी से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, हमारे डॉक्टरों को सुरक्षा दे, हमें सुरक्षा दे, जिससे हम मरीज की सेवा कर सकें।